हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्निक। तो आज की वीडियो में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे आज की वीडियो में हम आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे चीजें रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पे जिसमें भी इस प्रकार की पावर कॉर्ड जो 220 वोल्ट एसी के लिए यहाँ पे दी जाती है, तो जिसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको मैं सही करना सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पे अभी हम इस वीडियो में इस मिक्सर ग्राइंडर का यहाँ पर सहारा लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम थी इस पर। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिपेयर कर दिया दोस्तों, मैं वीडियो यहाँ पर नहीं बना पाया, लेकिन आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। 100% वर्किंग है और एक बच्चा भी यहाँ पर इसको रिपेयर कर पाएगा अच्छे से। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। भाई का नाम है कमल, तो आप जानते होंगे जो यहाँ पे मेरी वीडियो डेली देखता होगा। तो यहाँ पे जो नहीं देखता है, तो भाई वो जान ले यहाँ पे मेरा नाम कमल है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं नीचे काफी कम मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो प्लीज दोस्तों। आपका यहाँ पर प्यार की जरूरत है यहाँ पे, तो आप मेरे को जरूर सपोर्ट करो, और मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलती। मैंने काफी ज्यादा चैनल पर वीडियो डाल दिए, फिर भी मेरे को यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करो प्लीज भाई, यहाँ पर मेरे को सपोर्ट कर दो, और मैं आपके लिए काफी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा और काफी अच्छी अच्छी वीडियो ला भी रहा हूँ यहाँ पे। तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा दें, और जो बगल में घंटी होगी उसको भी ऑल पर सेलेक्ट करें, यानी कि बचते हुए पोजीशन में वहां पर रख दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी यहां पर। और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी यहां पर सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका यहां पर रिप्लाई देने वाले हैं आपको। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोकल यहाँ पे LG मिक्सर ग्राइंडर है, तो ये काफी इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल रखी है चैनल पे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पे जाके आप देख लेना इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जार है, सबसे बड़ा वाला होता है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम साइड रखते हैं, इसको कोई रिपेयरिंग की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो काफी बार ये भी यहाँ पर खराब हो जाता है, उसके लिए मैं अगली वीडियो बना लूंगा, किसी और टॉपिक में बना लूंगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में फिलहाल यहाँ पे हम आपको इसको रिपेयर करना सिखाने वाले, तो इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताते रहूँगा। साथ ही साथ पहले इसको हम खोल लेते हैं, तो उसके लिए हमको एक स्क्रू ड्राइवर की यहाँ पर जरूरत रहने वाली, तो स्क्रू ड्राइवर लाते हैं, उसके बाद इसको खोलते हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक स्क्रू ड्राइवर है, आपके पास कोई भी स्क्रू ड्राइवर हो जो इसके स्क्रू को खोल सके आसानी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की साइड से आपको कोई भी यहाँ पर ओवरलोड स्विच यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोकल यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर रहने वाली, इसके ये भी गिर गया था दोस्तों, मैंने यहाँ पर अटका दिया जुगाड़ से, तो कैसे मैंने इसको अटका रखा वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा वीडियो में। यहाँ पे चार पेज दे रखे हैं देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्रू देने में भी आपको कंजूसी दी गई है देख सकते हैं, क्योंकि लोकल ही है दोस्तों, कोई यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता लोकल में। देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई यहाँ पे स्क्रू नहीं दिया गया है, और यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, चार स्क्रू यहाँ पर लगे हुए मिल जाते हैं, इनको हम खोल लेते हैं जल्दी से। तो मैंने क्या रिपेयर किया वो आपको मैं अभी बताऊंगा वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच कर लेना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो को आप देखने के बाद काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप रिपेयर कर सकते हैं। आपको काफ़ी बार धोखा हो जाता है दोस्तों, आप सोचते हैं क्या खराब हो गया हमारा, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी रहती नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम थी इस पर, पहले हम इसको खोल लेते हैं। ओवरलोड स्विच भी नहीं दिया दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कभी यहाँ पर अगर मिक्सर ग्राइंडर ओवरलोड हो जाती है तो सीधे इसकी मोटर जाने वाली है, यहाँ फूक जाएगी सीधे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत रहेगी। तो इसको यहाँ पर खोल लेते हैं, तो ये हमने खोल दिया देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा, उससे पहले मैं इसको किस प्रकार से इसको अटका रखा है, क्योंकि आपके साथ भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है इस प्रकार की। तो उसका पैर आपने इस प्रकार से अटका रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाला मैंने अटका रखा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक कागज मैंने डाल रखा है जो इसको आसानी से यहाँ पर अटका दे रहा है, टाइट कर दे रहा है, अभी नहीं निकलने वाला देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अगर जोर भी लगाऊँ यहाँ पे देख सकते हैं यही है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं पीछे से देख सकते हैं कागज लगा रखा मैंने। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जुगाड़ से होता है दोस्तों कोई भी काम यहाँ पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी हमने वेस्ट चीज़ से बेस्ट चीज़ बनाना सिखा रखा है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो को लिंक डाल देंगे, और साथ ही साथ इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है इसके बारे में कैसी मिक्सर ग्राइंडर रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको समझाता हूँ उसके बारे में, इसमें देख सकते हैं ओवरलोड स्विच नहीं दिया गया, नहीं तो यहाँ पे एक ओवरलोड स्विच दिया रहता है, यहाँ पे एक होल है दिखाता हूँ आपको पीछे साइड से, यहाँ पे एक ओके करके यहाँ पे स्टिकर लगा दिया देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओवरलोड स्विच लगता था लेकिन ये नहीं दिया गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है दोस्तों। आपको स्क्रू यहाँ पर संभाल के रखने, नहीं तो ये खो जाएंगे दोस्तों, वैसे यहाँ पर चार स्क्रू कुल दिए गए हैं, अगर उसमें भी खो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर इसकी मोटर देख सकते हैं, इस प्रकार की इसकी मोटर रहने वाली है, और ये इसका कंट्रोलर स्विच है जो इसको इसके यहाँ पर कंट्रोल करता है कितनी स्पीड पे इसको चलाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी वायर आई हुई है दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी खुल रखी है, तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से बांध देते हैं, क्योंकि ये मिक्सर ग्राइंडर पूरी तरीके से खराब हुई थी दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको रिपेयर कर दिया, लेकिन मैं वीडियो यहाँ पर नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं उस टाइम था, लेकिन आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस वीडियो को देखने वाला, आप जो मैंने यहाँ पर रिपेयर कर रखा है इस वीडियो को देखने वाला आप तुरंत यहाँ पर सही कर पाएंगे, अगर मैं दिखाता तो उसमें जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती क्या आपको रिपेयर करना है, तो सीधे सीधे आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर क्या रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन केबल दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर ले लेना है, मार्केट में अलग अलग प्राइस में मिलता है मल्टीमीटर, देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार का मल्टीमीटर है, ये हमारे मार्केट में यहाँ पे 250 रुपये मिल रखा है, आपके मार्केट में कितने में मिलता है मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, हम भी जानना चाहते हैं कि आपके मार्केट में कितने में मिलता है। और साथ ही साथ अगर इसको चलाना नहीं जानते दोस्तों, अगर आप इसको चलाना नहीं चाहते चैनल पर वीडियो में उसकी लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर देख लेना दोस्तों, इसको आसानी से आप चला पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर इसको हमको कंटिन्यू मोड में रख लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने क्या रिपेयर कर रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सबसे पहले दोस्तों, किसी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में जो टोटल कोई भी चीज़ हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टोटल में आपको जो मेन वायर रहती है यही रहती है ज़्यादातर डैमेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जल्दी से आपके यहाँ पर
इसमें तो यहाँ पर मोटर लगी हो, मोटर या कोई भी अदर चीज़ पर किसी भी चीज़ में प्लग ही यहाँ पर खराब रहता है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैन केबल ये यहाँ पर रहने वाली, हमने यहाँ पर चेंज कर रखी देख सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर खराबी कहाँ पर से थी मैं बता देता हूँ किस प्रकार से वायर खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हम जब इसको 220 वोल्ट एसी में यहाँ पर देते हैं तो काफ़ी हाई वोल्ट इसके थ्रू जाते हैं, जो यहाँ पर मोटर में जाते हैं तो मोटर में कुछ कुछ यहाँ पर शॉर्टिंग बनती है जिसकी वजह से बीच में यहाँ पर वायर गलने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी थोड़ी सी भी यहाँ पर मोटर यहाँ पर शॉर्टिंग कर रही है तो जिसकी वजह से यहाँ पर वायर यहाँ पर गलने लग जाती है, और ऐसा कई बार हो जाता है। और ऐसा इसलिए भी होता है अगर आप कहीं पर रख देते हैं जहाँ पर गीला यहाँ पर रहने वाला है सरफेस, तो यहाँ पर अगर आप गीले में रख देते हैं इस मिक्सर ग्राइंडर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को, तो इसके अंदर ही अंदर वायर सड़ जाती है दोस्तों। यहाँ पर अंदर ही अंदर जो वायर रहते हैं अंदर, तो वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और उसके बाद आपके वो यहाँ पर वर्क नहीं करने वाला। मेरा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हुआ फर्स्ट में, मैंने कहा यार क्या हो गया, चलते चलते कैसे खराब हो गई। तो यहाँ पर मैंने इसको 220 वोल्ट एसी में यहाँ जैसे ही लगाया तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मैंने फिर इसका मैं प्लग दिखा देना चाहता हूँ आपको, देख सकते हैं ये इसका प्लग है दोस्तों, जो मैंने कट करके देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा था। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा छील ले रहा हूँ, उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाता हूँ, और साथ ही साथ इसको भी चेक करके दिखाऊंगा क्या होता है मल्टीमीटर से चेक करने में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छीलते छीलते इसके वायर टूटते जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, आप दो तीन यहाँ से वायर रहे हैं देख सकते हैं, दो तीन से यहाँ पर वायर रह गए, तीन वायर यहाँ पर रहे हैं, इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो रेड वायर थी ये पूरी तरीके से गल रखी थी यहाँ पर से, तो इसके अंदर अंदर यहाँ पर गल रखी थी। मेरे को कैसे पता चला ये गल रखी है, अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। अभी ये यहाँ पर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है प्लग, तो यहाँ पर ये यहाँ पर सड़ लगता है, तो आगे को यहाँ पर वर्क करता है तो प्लग हम किसी और यूज में यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो यहाँ पर रीडिंग किस प्रकार से आपको शो होती है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मल्टीमीटर को रख लेता हूँ। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं इस प्रकार से तो आपको बीप की साउंड सुनाई देती है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सुनाई दे रही होगी यहाँ पे बीप की साउंड। तो इसको हम एक को यहाँ पे एक वायर को यहाँ पर मल्टीमीटर की यहाँ पर रखेंगे, और दूसरी वायर को यहाँ पर रखते हैं रेड वाले में रखते हैं, और यहाँ पर अगर नहीं बचता है तो इसको दूसरे वाले में रखते हैं ब्लैक वाले में रखते हैं, फिर भी नहीं यहाँ पर बीप की साउंड मिल रही है। अगर आपको बीप की साउंड मिल रही है तो आपकी वायर सही है इसका मतलब, अगर नहीं मिल रही है तो ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने लाइव हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं अंदर से पूरे तरीके से खींचे आ गए, और यहाँ पर देखते हैं अंदर पूरे तरीके से वायर यहाँ पर गले हुए हैं दोस्तों। आप सोचेंगे इसने जोर लगाया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई यहाँ पर जोर नहीं लगा रखा है, वैसे ही यहाँ पर टूट के आ गए हैं अंदर से। तो ये लोकल मिक्सर ग्राइंडर में वायर ज़्यादातर यहाँ पर प्रॉब्लम करती है, तो सबसे पहले आपको वायर चेक करनी है, देख सकते हैं अभी ये वायर सही है। तो हमने इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक वायर हमने मल्टीमीटर की यहाँ पर लगा रखी है, और दूसरी मल्टीमीटर यहाँ पर लगा देते हैं रेड वाले में। रेड वाली हमारी यहाँ पर खराब थी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर में शो करने लग गया, देख सकते हैं वर्किंग कर रहा है, वायर सही है इसका मतलब। तो यहाँ पर इसमें तो थोड़ा सा टेप लगा हुआ है, तो आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों किस प्रकार से चेक करना है, एक यहाँ पर रखना है, अगर इसमें यहाँ पर रखना है जैसे कि इसमें नहीं आ रही, जैसे कि ये वायर इसकी नहीं है इसका मतलब, इसमें लगा रखा है नहीं आ रही, देख सकते हैं मल्टीमीटर में देख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर से चेंज करके दूसरे वाले प्लग में चेक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गई है दोस्तों। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं आसानी से दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यही खराब रहता है आपको वायर, तो वायर को चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इनसे नहीं आती दोस्तों। मोटर जल्दी से यहाँ पर खराब नहीं होती है, अगर आप ज़्यादा ही यहाँ पर इसको लोड देते हैं तो ये हीट होकर खराब जाती है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले वायर पक्का यहाँ पर खराब हो जाती है। आप वायर आपको चेंज कर लेनी, अगर आपके पास वायर नहीं है इस प्रकार की, यहाँ पर प्लग नहीं है आपका, यहाँ पर पता नहीं चला कहाँ पर बीच में से खराब तो नहीं होगी करके आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप इस वायर को चेंज करके एक डोरी वाली वायर मिलती है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की। यहाँ पर देख सकते हैं यूज में लिए मैंने, यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड में यहाँ पर लगा रखी है देख सकते हैं, तो उस प्रकार की वायर पर एक प्लग लगा सकते हैं, इसमें कोई माइनस प्लस रहता नहीं है दोस्तों। कोई भी वायर यहाँ पर एक प्लग ले लेना, उसमें लगाने के बाद यहाँ पर कोई भी वहाँ कहीं भी लगा सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक वायर यहाँ पर लगाई गई है देख सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की एक इधर पर लगाई गई है, और एक सीधे यहाँ पर मोटर से आए हुए वायर में लगा दी गई है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो यहाँ पर यूजफुल लगी होगी, और यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपके यहाँ पर प्यार से, हमारे चैनल अगर यहाँ पर ग्रो हो जाता है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अलग से टॉपिक के साथ, अगर आप हमें टॉपिक बताना चाहते हैं अपना तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी दोस्तों यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हो अगर कोई सवाल है तो आपका, तो हम उसका रिप्लाई यहाँ पर जरूर देने वाले। तो ओके बाय बाय दोस्तों।